मैं तो अपनी ससुराल से आ रही थी, तो मेरे पापा की तबीयत खराब हुई। पापा ने फोन करा, आज मैं तू आ जा, मैं आ रही थी। तो ये रास्ता में सौरभ अतर सिंह ये मिले थे एटा चुंगी पे। मैं चली घर से 7 बजे शाम को, 9 बजे आई मैं एटा चुंगी पे। तो सौरभ के साथ अतर सिंह ये मिले थे, तो ये बोले कहाँ जा रही है तू? तो मैंने कहा घर जा रही हूँ। उसके चाचा ने तो ना पहचाना, उसने पहचान लिया मुझे। तो तू कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा शहबाजपुर जा रही हूँ। कि आज तुझे मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा चल छोड़ तो देगा, ऐसा तो मैं जानती हूँ। तो मैं उसके साथ बैठ गई। तो बोला तू खाएगी? मैंने कहा नहीं मैं ना खाएगी। खा लिया कुछ? तो मैंने उसने रसगुल्ले दिए थे मुझे, तो मैंने 3 रसगुल्ले उसके खाए। तो मुझे ना फिर मैं बेहोशी होगी, उसने बीच में मुझे बैठा लिया। 11 बजे होगी, बीच में उसने बैठा लिया मुझे। तो बेहोश हो गई थी मैं। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने गांव के 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि वह अलीगढ़ से अपने गांव जा रही थी, तभी उसे रास्ते में गांव के ही 2 युवक मिल गए और उसे घर ले जाने की कहकर गाड़ी पर बैठा लिया। रास्ते में कहने लगे कुछ खाएगी, तो उन्होंने 3 रसगुल्ले खिला दिए, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। और महिला का आरोप है कि उसके साथ दोनों युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। जैसे ही उसे होश आया तो उसके बाद वो फरियाद लेकर विजयगढ़ थाने पहुंची, लेकिन पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो अपने ससुराल से आ रही थी, तो मेरे पापा की तबीयत खराब हुई। पापा ने फोन करा, आज मैं तू आ जा, मैं आ रही थी। तो ये रास्ता में सौरभ के अतर सिंह ये मिले थे एटा चुंगी पे। मैं चली घर से 7 बजे शाम को, 9 बजे आई मैं एटा चुंगी पे। तो सौरभ के साथ अतर सिंह ये मिले थे, तो ये बोले कहाँ जा रही है तू? तो मैंने कहा घर जा रही हूँ। उसके चाचा ने तो ना पहचाना, उसने पहचान लिया मुझे। तो तू कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा शहबाजपुर जा रही हूँ। कि आज तुझे मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा चल छोड़ तो देगा, ऐसा तो मैं जानती हूँ। तो मैं उसके साथ बैठ गई। तो बोला तू कुछ खाएगी? मैंने कहा नहीं मैं ना खाएगी। खा लिया कुछ? तो मैंने उसने रसगुल्ले दिए थे मुझे, तो मैंने 3 रसगुल्ले उसके खाए। तो मुझे ना फिर मैं बेहोशी होगी, उसने बीच में मुझे बैठा लिया। 11 बजे होगी, बीच में उसने बैठा लिया मुझे। तो बेहोश हो गई थी मैं।